हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। भोजपुरी बातें में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और भोजपुरी बातें के जे भी दर्शक लोग सुन रहल बा एकरा के, ये चैनल के जे भी सब्सक्राइब कैले बा, जे भी एकरा के देखेला, वो सब के बहुत बहुत प्रणाम करतनी। हमार नाम रजनीश मिश्रा है और आप सब अपन आशीर्वाद भोजपुरी बातें पर भी और हमरा ऊपर भी बनौले रहे। सर, मेहंदी वन और टू जी हिट सीरीज रही जी, मेहंदी थ्री आपने लॉन्च कर दिया जी, खेसारी लाल साहब हीरोइन का आपने अभी तक चयन नहीं किया, बताया नहीं क्या? हीरोइन का चयन हो गया है इसकी फिल्म, इस फिल्म की हीरोइन है सहर अफसा। और कल रात को हम लोगों ने गाना शूट किया उनका, खेसारी जी का और सहर अफसा का, बहुत ही बेहतरीन गाना शूट हुआ है। और सहर अफसा बेसिकली हैं हैदराबाद से, वहाँ की हीरोइन है, बहुत ही गुणी हैं, बहुत खूबसूरत हैं और जितनी खूबसूरत हैं उतनी ज़्यादा टैलेंटेड हैं वो। तो कल गाना उनके साथ शूट करके बहुत मज़ा आया और बिल्कुल हम लोगों ने हीरोइन का चयन कर लिया। अच्छा, इस फिल्म की स्टोरी क्या होगी, पहले और इसमें क्या डिफरेंट हुआ कुछ? देखिए, जब भी सीक्वल फिल्में बनती हैं, जैसे मेहंदी लगा के रखना वन, टू जो बनी थी वो तो वो वाली बात नहीं थी, क्योंकि उसमें टू का डायरेक्टर मैं नहीं था। मेहंदी लगा के रखना टू के डायरेक्टर कोई और थे, मंजुल ठाकुर जी थे। मैंने मेहंदी बन लगा के रखना, हाँ, जो जिस फिल्म को प्यार मिला था उस फिल्म को मैंने बनाया था। और अभी उसी का सीक्वल खेसारी लाल यादव जी के साथ मैं बना रहा हूँ फिर दोबारा, मेहंदी लगा के रखना थ्री। तो कहानी जो है वो वन जैसी थी वैसा ही है। और परिवार में माँ बाप की कीमत क्या होती है वो तब समझ में आती है जब आदमी अपने माँ बाप को या तो खो देता है या किसी वजह से माँ बाप उससे दूर हो जाते हैं। मेरे पिता स्वयं, मैं इस दर्द को झेल रहा हूँ और अभी गुजरा है ये बात कि आज से मुश्किल से 3-4 महीना पहले मेरे पिताजी गुजर गए। तो जो दर्द, जो पेन मुझे हो रहा है उसका एहसास वो आदमी ही समझ सकता है जिसके सर से महतारी के बाप के साया उठ गई लोक है। तो ऐसे हम आप सबके कहब कि जौन भोज मेहंदी लगा के रखना थ्री बनी, ओकर भी कहानी, ओकर कथानक बिल्कुल परिवार के और का कह जाओ हृदय के छुए वाला जौन मर्मस्पर्शी बात होला महतारी बाप के लेकर के, ओकरा से जुड़ल रही। फैमिली इमोशन, भरपूर इमोशन। देखिए, इमोशन दू गो तरीका के, वैसे भी लोग कहला कि हम रोमांटिक ज़्यादा ऐसी चीज़ दिखाई ने, तो रोमांस आदमी के अंदर होके की ही चाहिए। जिंदगी में रोमांस आपके अगर नहीं है तो जिंदगी बेरुखा हो जाला, सूखा हो जाला। तो नो डाउट है मैं भरपूर रोमांस भी बा और रोमांस के पेन के अलावा पारिवारिक पेन भी लावे के कोशिश के लिए मैंने। इस फिल्म से भी उतनी ही उम्मीदें हैं, जो फर्स्ट को जितना है मिला था, जितना प्यार मिला था जी, दर्शक इस फिल्म को भी उतना ही प्यार देंगे, उतनी उम्मीदें हैं आपको इस फिल्म से? मुझे जितनी उम्मीद मेहंदी वन से थी उससे ज़्यादा उम्मीद मेहंदी थ्री से है। उस समय उम्मीद पे मैं था ही नहीं, उस समय तो मैं डर पे कायम था, मेरा डर था। पता नहीं, क्योंकि पहली बार डायरेक्शन कर रहा था, पता नहीं मैं डायरेक्शन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। जो बनाया हूँ इस टाइप की चीज़ लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। अब चूँकि वो फिल्म लोगों को पसंद आ गई है तो मुझे एक भरोसा और एक आत्मविश्वास मिला है कि इस तरीके की चीज़ें अगर मैं करता हूँ तो अच्छा होगा। बस इसी से संबंधित मेरी जो ये बात है कि मेहंदी लगा के रखना थ्री जो मैं कर रहा हूँ वो उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि उसकी कहानी बहुत लोगों को पसंद आएगी। उस फिल्म को हमारे भोजपुरी के एक तरह से समझिए भीष्म पितामह हैं, सबसे बड़े
प्रोड्यूसर भी कहें उनको और फाइनेंसर भी कहें, अभय सिन्हा जी की याशी फिल्म्स इसको प्रेजेंट कर रही है और इसको बना रहे हैं निशांत उज्जवल, वही निशांत उज्जवल जिन्होंने पत्रकारिता के फील्ड में और आपको मीडिया से जुड़े हुए व्यक्तित्व तो हैं, पीआरओसी उन्होंने भोजपुरी फिल्मों की कम से कम 400-500 फिल्मों की है, तो और बिहार के इस समय बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो एक तरीके से कहें कि बिहार के नंबर वन डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर जो फिल्मों को खरीद करके सिनेमा हॉल में चलाता है, उनकी पसंद है कि वो फिल्म बनाई जाए, तो जाहिर सी बात है उनकी भी उम्मीदें काफ़ी उस फिल्म से है कि उस फिल्म से बिहार में सिनेमा हॉलों में बिजनेस थोड़ा अच्छा होगा, लोग देखने के लिए सिनेमा हॉलों तक आएंगे। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि फिल्म बहुत अच्छा करेगी। आप भोजपुरी इंडस्ट्री का एक हिस्सा है और कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री ना चाह के भी विवादों में आ जाती है, तो इस तरह के विवाद कितना भोजपुरी समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे पक्ष पवन सिंह की बात कर रहा हूँ, तो इस पर हमारी एक्शन क्या आपकी राय होगी, कि आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह आ जाते हैं अक्सर आपने भी। देखिए, विवाद तो जन्म लेते ही हैं हर जगह, पर जहाँ तक बात है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे सुलझे हुए लोग हैं और जो भी कलाकार यहाँ पे, चाहे वो दिनेश जी हों, पवन जी हों या खेसारी जी हों, चिंटू जी हों, ये जितने भी लड़के लोग हैं, जितने भी कलाकार लोग हैं और स्टार लोग हैं, मनोज तिवारी जी से ले लूँ मैं, रवि किशन भैया से, सब ने बहुत मेहनत करके अपनी जगह बनाई है। उसी तरह से जितने भी हीरोइनें हैं, चाहे वो पाकी हेगड़े जी हों, मोनालिसा जी हों, आज की तारीख में काजल लगवानी हो, अम्रपाली जी दुबे जी हों, आपका अक्षरा सिंह जी हों, इन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है और भोजपुरी सिनेमा को दिया है, क्योंकि हम लोग का रेमुनरेशन, हम लोग को पैसे उस अनुपात में नहीं मिलते हैं जितनी मेहनत हम लोग करते हैं। हम लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितना या तो शाहरुख खान करते हैं, सलमान खान करते हैं, अक्षय कुमार करते हैं, पर वो करोड़ों में कमाते हैं और हमको लाखों में मिलता है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर मेहनत हमारा बराबर का होता है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे जो भी विवाद की जिसकी आप बात कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा कुछ इत्तफाक मेरा है नहीं पीछे, हाँ वो इत्तफाक मेरा कुछ है नहीं उससे और मैं जानता कुछ नहीं हूँ, पर दोनों बहुत ही अपनी अपनी विधा में और अपनी अपनी जगह पे बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं, अपनी चीज़ों को वो सक्षम है डील करने के लिए। गलत क्या होता है कि जब बातें ये मीडिया में आती है तो मीडिया के लोग जो होते हैं और जो फेसबुक पे कुछ लोग होते हैं, फेसबुक पे वो लोग जिनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उन दोनों के बारे में कुछ बोलें या मेरे बारे में बोलें या किसी भी स्टार के बारे में बोलें, वो अपना पर्सनल राय उसमें कायम करने लगते हैं, अपनी बातें रखने लगते हैं, तो ये उनको नहीं करनी चाहिए। बाकी चूँकि अभिव्यक्ति का सबको आज़ादी है, सब बोल सकते हैं, पर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस भोजपुरी इंडस्ट्री, मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ पे अच्छी बातें होती हैं वहाँ पे कभी कभी कुछ कड़वी बातें भी हो जाती हैं, तो सिर्फ अच्छाई को छोड़ करके कड़वापन को या फिर कुछ जो कुछ गलत हो गया उसी को उजागर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको सुलझाइए, उसको अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, और मेरी सबसे शुभकामना है सबको, ये एक तरह से बेस्ट विशेस है कि जो भी जिनकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसी मनमुटाव है, जो भी हो, ईश्वर उसको सब ठीक करें, सावन का महीना है, महादेव सबको सबका भला करें, सबका अच्छा करें। जी कब तक दर्शक इसको देख पाएंगे? जी हम लोग अभी 20 तारीख से हम इसकी शूटिंग करने जा रहे हैं गुजरात में, तो शूटिंग करने के बाद वैसे किसी भी फिल्म को तैयार होने में 2-3 महीना लगता है, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो हम इसको दशहरा में लेकर आएंगे, दिवाली छठ में तक के समय में, और नहीं तो फिर हम इसको होली के समय पर लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। भोजपुरिया बातें के जितने भी दर्शक हैं उनको बार बार प्रणाम है मेरा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.